खबर शामिल करते हैं। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल AIG कराची इमरान याकूब का कहना था कि क्रिमिनल्स को कराची में ईद का सीजन बहुत बड़ी मार्केट नजर आती है। कराची में रमजान में 3 से 4 लाख गदागर आते हैं, ईद सीजन लगाते हैं। उन्होंने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स अंदरूनी सिंध, बलूचिस्तान और मुल्क के दीगर इलाकों से आते हैं। उनका कहना था कि रिवायती तरीकों से क्राइम को ट्रेस नहीं किया जा सकता, हमें जदीद तरीकों पर जाना होगा। रमजान मुबारक में कराची के डाकुओं ने एक और जान ले ली। लियाकताबाद में फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग हो गया। SSP सेंट्रल जीशान शफीक के मुताबिक लियाकताबाद बलोच होटल के करीब फायरिंग से सिक्योरिटी गार्ड जहां भाग हो गया। खबर शामिल करते हैं। डकैती पर मजहमत पर फायरिंग से जख्मी शख्स दम तोड़ गया। मुलजमान 1,26,00,000 लेकर फरार। SSP कैमेडी के मुताबिक दोनों अफराद गाड़ी में मौजूद थे जिस पर फायरिंग की गई। फायरिंग का वाकया टकेती मजहमत लगता है। SSP ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक दोनों अफराद के पास रकम की मौजूदगी के इतला मिली है। फायरिंग के बाद मुलजमान 1,26,00,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। कराची ईस्ट थाना गुलशन इकबाल में डकैती की नियत से मुश्तबा हालत में मुलजमान को जाते हुए दौरान गश्त पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मुलजमान ने पुलिस को देखते ही जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए फरार होने की कोशिश की। इसी दौरान दो तरफा फायरिंग के तबादले में दोनों मुलजमान जख्मी हालत में गिरफ्तार किए गए। SHO थाना कायदाबाद इंस्पेक्टर जाकिरुल्लाह, हेड महरर ASI लियाकत खान ने पुलिस शोधा के घरों में ईद की खुशियां बांटने के लिए उन पुलिस एहलकारों और अफसरान के अहले खाना से मुलाकात की और उन्हें फूल और तहाइफ और मिठाई पेश की। खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ठट्टा ने ईद उल फितर के मौके की मुनासबत से SSP ठट्टा ने ठट्टा पुलिस के शहीद एहलकारों के घरों पर जाकर शोधा के वर्षा को तहाइफ दिए और बच्चों को ईदी तकसीम की। खबर शामिल करते हैं। कराची में दो दोस्तों के दरमियान मामूली बात पर झगड़ा हुआ और जान लेने तक पहुंच गए। सऊदाबाद के इलाके में 3 अप्रैल को 13 साल मुइस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। 13 साल मुइस के गले पर फंदा लगाकर जान से मारने की कोशिश की गई। मुइस के वालिद की मदियत में थाना सऊदाबाद में इकदाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबर शामिल करते हैं। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जेल फीडल बी इंडस्ट्री एरिया एसोसिएशन के ऑफिस का दौरा किया। SSP डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जीशान शफीक सिद्दीकी ने एसोसिएशन के दफ्तर में लॉ एंड ऑर्डर कमेटी के चेयरमैन अब्दुल्ला आबिद, इशफाक अहमद समेत चौधरी सुहेल, रजा हुसैन, हारून शमसी दीगर से मुलाकात की। खबर शामिल करते हुए। FC और कस्टम इंटेलिजेंस ने कार्रवाई करके करोड़ों रुपए की मालियत की मंशियात बरामद करके 8 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कस्टम जरा के मुताबिक FC और कस्टम इंटेलिजेंस ने राजगुल में नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई की, जिस दौरान मुलजमान के कब्जे से 6.5 किलोग्राम आइस और 130 किलोग्राम चरस बरामद की गई। हमराज न्यूज़, इकराली।